कैसे किसी टफ टॉपिक को हम इजी बना सकते हैं, ये एक बार बार क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। और एंड एंड में होता क्या है कि बच्चे फिर उस चैप्टर को स्किप ही कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर उससे इजी क्वेश्चन आया और आप स्किप करके गए हो तो आप लूज कर जाएंगे मार्क्स। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो चैप्टर खत्म होने के बाद, और जो भी फॉर्मूलेज उसके अंदर आए हैं उन फॉर्मुलेज का आप एक लिस्ट बना लो बहुत अच्छे से, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मुलेज को आप अच्छे से गो थ्रू कर लो, 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद बहुत बेसिक से क्वेश्चन आप स्टार्ट करो सॉल्व करना, जैसे कि आप अपने नोट्स के बीच बीच में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको क्लास में वो करो। उसके बाद आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हो, अपनी रेस्पेक्टिव बोर्ड की बुक से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो आपका एक टफ टॉपिक है तो डायरेक्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। उसके बाद आप स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन उस चैप्टर के कर सकते हो, और उसके बाद आप अपने रेस्पेक्टिव जेई मेन्स नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और स्टार्टिंग में वो फॉर्मूला शीट का आप मतलब उससे थोड़ा देख सकते हो अगर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे आपको फॉर्मूलेज लर्न हो जाने चाहिए, और ऐसा करने से आप देखोगे कि जल्दी ही आपका उस टॉपिक पे पकड़ बन जाएगी। तो एक ही तरीका है टफ टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाने का, अच्छा बनाने का, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, और किसी के और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो आप ही को प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज बाद में वो चैप्टर आपका छूट ही जाएगा। जनरली ऐसे ही होता है कि जो चैप्टर हमें टफ लगते हैं हम उनको छोड़ देते हैं, और एंड में फिर उनको हम कंप्लीटली छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हाँ ये भी बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता था और आपने उसको कैसे ईजी बनाया, इससे बाकी बच्चों की बहुत मदद होगी। थैंक यू।